Okay. So in last lecture we will discuss about, already we had discussed about the alkanes part, right? Which I had already had over. Next we discuss about the alkenes. Right? We're going to discuss about what? Alkenes. This is the another part of the hydrocarbon, that is what alkene. Alkenes. What is this alkenes? So we'll start from the general formula of this alkene. General formula is what? CN H2N, right? यहां से इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखो कैसा हम लोग CN H2N मॉलिक्यूलर वेट, तो यहाँ पे 12N प्लस 2N इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट. तो N इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ कार्बन अगर पता करना तो कैसे आ जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 14. On that basis we can calculate it, okay? Where N is equal to what? Number of carbon in alkene. Alkenes, okay? Second point. So alkenes. And cycloalkenes. Are isomeric compounds. और ये मैंने आपको अनसेचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन में बता दिया है कैलकुलेट करके, हाउ टू फाइंड आउट हाउ मेनी अल्किन्स एंड हाउ मेनी साइक्लो. मतलब मैंने बताया था आपको कि एक डबल बॉन्ड इज इक्वल टू व्हाट? वन साइकिल, राइट? इक्वल टू वन साइकिल. मैंने ये आपको सिखाया था, टू डबल बॉन्ड मतलब वन टू साइकिल्स ऐसा. तो अल्किन्स एंड साइक्लो अल्किन्स आर आइसोमेरिक कंपाउंड. जैसे अगर मैं यहाँ पे बताऊं, इफ आई एम गोइंग टू टेक दिस CH डबल बॉन्ड CH2 और इसी का साइक्लिक कंपाउंड बनाऊंगा तो ये बनेगा CH2 CH2. आप ऑब्जर्व करो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 3 and 2 5 and 6, यहाँ पे 2 3 6 और 3 कार्बन. सो दैट इज व्हाट आइसोमेरिक फॉर्म. तो वही यहाँ पे है, अल्किन्स एंड साइक्लो अल्किन्स आर व्हाट? आइसोमेरिक कंपाउंड. बोथ हैव सेम फॉर्मूला, ठीक है. थर्ड वन इज व्हाट? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. मैंने आपको सिखाया था ये, मैं यहाँ पे फिर से नहीं बताऊंगा, बस मैं लिख के देता हूं. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, दैट इज व्हाट? दिस इज टेल अस द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड. कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट है वही. तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डिग्री ऑफ इक्विवेलेंस क्या करते हैं यहाँ पे, 2N1+2, या मैंने वहां पे जो शॉर्टकट फॉर्मूला दिया था आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे. डिवाइडेड बाई 2, दैट्स ऑल. वेयर N1 इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मॉलिक्यूल. N2 is equal to what? Number of hydrogen atom. ठीक है, उस बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है.
अब इसके एग्जांपल के पीछे मैं नहीं जा रहा हूँ, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से आइसोमेरिज्म एक्सप्लेन किया था, दैट्स व्हाई डायरेक्टली आई एम गोइंग टू फॉर दिस गोइंग टू एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ दिस अल्किन्स. व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किन्स. देखिए इसके मेथड के लिए भी मैंने बहुत सारा मैकेनिज्म आपको बताया था, हाउ दिस अल्काइलाइड, हाउ दिस अल्कोहल विल कन्वर्ट इनटू अल्किन अलोंग विद द मैकेनिज्म. जब मैंने एलिमिनेशन मैकेनिज्म बताया था आपको, एलिमिनेशन उसमें भी बीटा एलिमिनेशन बताया था, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. फिर भी मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ और समझाता हूँ. पहले ये नोट डाउन करो फटाक से, राइट इट फास्ट. चलिए बेटा हो गया. दिस इज व्हाट प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर अल्किन्स. तो पहला मेथड यहां पे हम लोग लिखेंगे, By elimination. जितने भी एलिमिनेशन रिएक्शन से फॉर्म कर सकते हैं अल्किन हम लोग बनाते हैं यहाँ पे. कैसे? पहला देखेंगे, फर्स्ट वन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, या वी कैन से दैट फ्रॉम अल्काइल हैलाइड. डिहाइड्रोहेलोजिनेशन. डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से कैसे होगा? आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, दैट इज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ व्हाट, बीटा एलिमिनेशन. बीटा एलिमिनेशन, ठीक है. अब देखो कैसे होगा, अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा, अल्कोहलिक QOH, तो आप लोग क्या प्रोडक्ट बनने वाला है यहाँ पे? देखो मैंने आपको सिखाया था मैकेनिज्म में, ये क्या होता है बेटा, यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप, और यहाँ पे जिस कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच होगा दैट इज व्हाट अल्फा, और उसके नेक्स्ट जो कार्बन होगा दैट इज व्हाट बीटा. ध्यान से देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया मैंने अलग से, That carbon is called what? Beta carbon. So, यहां पे देखो, यहां से लिविंग ग्रुप, यहां से हाइड्रोजन जाएगा और यहां से लिविंग ग्रुप, और इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड फॉर्म. देखो ये डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, ये यहां से निकलेगा, राइट, ये ऐसे एलिमिनेट होगा. सो व्हाट प्रोडक्ट विल गेट हियर, वी गेट दिस प्रोडक्ट लाइक आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, दैट इज अवर प्रोडक्ट, राइट. एक एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, सीधे से एग्जाम्पल. CH3, CH3
भी है। आप मुझे बताओ क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है यहाँ पे, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था आपको इसके मैकेनिज्म के साथ में, क्या प्रोडक्ट बनने वाला है बताओ मुझे, व्हाट प्रोबेबिलिटी है? ऑल ऑफ यू से मी, टेल मी फास्ट, व्हाट प्रोडक्ट विल गेट हियर? देखो बेटा यहाँ पे ये कैसा है, अल्फा है और यहाँ पे क्या है बीटा, और बीटा दो प्रोडक्ट बनने वाले हैं यहाँ पे, बीटा वन और बीटा टू। तो यहाँ पे जो एलिमिनेशन होगा वहां पे दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं। अगर बीटा वन से एलिमिनेशन हो रहा है तो प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे, देखो यहां से लिविंग ग्रुप निकल रहा है बीटा वन से हाइड्रोजन, सो सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, और बीटा टू से अगर एलिमिनेशन होगा तो क्या मिलेगा अपने को प्रोडक्ट सी एच थ्री सी एच टू। अब जरा मेरी बात को समझो, मैंने जब ये एलिमिनेशन बताया था तो आपको इसको एक्सप्लेन किया था, फिर से मैं बता रहा हूं यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ये हो गया ब्यूट वन इन और ये हो गया बेटा ब्यूट टू इन, अच्छा इस केस में देखेंगे कि यहां पे ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है टू, तो मतलब इसके पास टू अल्फा हाइड्रोजन है। और इस केस में देखेंगे तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और इससे तीन और तीन छह सिक्स अल्फा हाइड्रोजन अटैच है, और जिसके पास जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन से स्ट्रक्चर देगा, दैट विल बी मोर स्टेबल। तो ये जो होगा अल्कीन वो कैसा होगा, मोर स्टेबल, और ये जो होगा कैसा होगा, लेस स्टेबल होगा। इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रूल को क्या बोलते हैं, सेट्सअप रूल। ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ दैट इज व्हाट विद द सेट्सअप रूल। राइट इसके लिए इस प्रोडक्ट को बोलते हम लोग सेट्सअप प्रोडक्ट। सेट्सअप प्रोडक्ट और ये जो प्रोडक्ट होता है लेस स्टेबल दैट इज व्हाट हॉफमैन प्रोडक्ट। हाँ हॉफमैन प्रोडक्ट मोर स्टेबल लेस स्टेबल, समझ में आया इतना? So, जहां पे भी ऐसे चांस हो जाए वहां पे मैंने बताया था आपको मैकेनिज्म में ये सेट्स ऑफ प्रोडक्ट विल बी मोस्ट स्टेबल, ठीक है? जस्ट नोट डाउन दिस पार्ट। इसके बाद दूसरा है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये सारे एलिमिनेशन रिएक्शंस है बीटा एलिमिनेशन, मैंने वहां पे भी बताया था कि अल्कोहल से अल्किन कैसे बनता है, उसको बता देते आपको, ये याद आ रहा है कुछ मैकेनिज्म में ये सब चीजें? यस पता नहीं, पता नहीं ये सब लोग हो कि नहीं? हाँ यस सर। ये चलो जरा एक बार सब लोग वीडियो ऑन करो तो मुझे तो एक बार देखना है कि सब लोग लेक्चर में बैठते कैसे हैं। क्या स्विच ऑन योर वीडियो, चलिए थोड़ा सा इंटरेक्टिव लेक्चर लेते हैं हम लोग, मैं बस बोलता रहता हूँ आप लोग सुनते रहते हो, समझ में नहीं आता है वो हो कि नहीं हो, लेक्चर ले रहे हो कि नहीं, कोई है? स्विच ऑन वीडियो, गुड अभिषेक, वेरी गुड बेटा, चलो ऑल ऑफ यू स्विच ऑन, यस अभिनव गुड, और कम ऑन, ये देखो और कोई, ये ध्यानेश वेरी गुड, अब्दुल वेरी गुड,
और कोई, बस दिस दीप बोल रहा है गिव मी 5 मिनट्स। बेटा सिंसियरली एटलीस्ट लेक्चर अटेम्प्ट किया करो, आप लोग ऐसा मत किया करो। श्रील व्हाट अबाउट यू? श्रील चलिए, हाँ सिंसियरली बैठे है कोई तो, कुछ लोग तो है सिंसियर। चलो ठीक है, चलो स्टार्ट करते अपना रिएक्शन। सो मैंने आपको बताया था ये रिएक्शन, जब भी मैंने आपको मैकेनिज्म बताया था रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट, राइट? अगर नहीं है तो आप जाके देखो रिएक्शन मैकेनिज्म का वीडियो, वहां पे आपको सारी चीजें, एलिमिनेशन रिएक्शन। किसका वीडियो नहीं चालू हो रहा है? हु इज दिस? ऐसा कैसे होगा? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस डिहाइड्रेशन। देखो यहाँ पे डिहाइड्रेशन कैसे होगा, तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस डिहाइड्रेशन बी पार्ट। नाम से आपको पता चल रहा है व्हाट इज द डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन ऑफ व्हाट? अल्कोहल। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने जा रहे हैं हम लोग। हाँ मींस फ्रॉम अल्कोहल। चलिए, सो हाउ टू प्रिपेयर दिस अल्कीन फ्रॉम अल्कोहल? सो जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल इज व्हाट? आर CH2 CH2OH, राइट है? CH2OH। इफ आई एम टेकिंग हियर एनी डिहाइड्रेटिंग एजेंट, हाँ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, व्हाट आर दिस डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच कैन एलिमिनेट द वाटर? तो देखो यहां से, ये लिविंग ग्रुप यहां पे क्या है? OH है, दैट इज द लिविंग ग्रुप। एंड दिस H विल एलिमिनेट फ्रॉम हियर। यहाँ पे अगर सी एच लिख दिया और यहाँ पे एच लिख दिया, दैट इज व्हाट हाइड्रोजन। सो यहाँ से ओ एच और यहाँ से एच निकलेगा, व्हाट प्रोडक्ट वी गेट हियर? वी गेट दिस अल्कीन सी एच। डबल बॉन्ड CH2 + H2O, दिस इज अवर प्रोडक्ट अल्कीन। ये भी वन काइंड ऑफ व्हाट? बीटा एलिमिनेशन। ये भी बीटा एलिमिनेशन है। यहाँ पे भी सेम मैकेनिज्म है, पहला ये निकलेगा यहाँ से, कार्बोकैटायन बनेगा, फिर लिविंग ग्रुप जाएगा। ठीक है, जस्ट नोट डाउन दिस पार्ट, देन आई विल गिव द एग्जांपल। हाँ चलिए, अभी ऑफ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ इट्स ओके। ओके वेरी गुड, सो जस्ट पे अटेंशन अबाउट दिस रिएक्शन। यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था, दिस कार्बन इज व्हाट अल्फा कार्बन, दिस इज व्हाट बीटा कार्बन, एंड हाइड्रोजन एलिमिनेटेड फ्रॉम बीटा कार्बन, दैट्स व्हाट इज व्हाट बीटा एलिमिनेशन। ये प्रोडक्ट बन गया आपको। अब यहीं पे मैं सेम सेम एग्जांपल में ले रहा हूं जो फर्स्ट लिया था मैंने। सपोज इफ आई एम राइटिंग हियर 1 2 3 4 5, नाउ हियर आई एम टेकिंग दिस OH एंड दिस अल्कोहल विल ट्रीटेड विद द कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब बताइए मुझे प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है? नॉर्मली एलिमिनेशन रिएक्शन इज व्हाट? एंडोथर्मिक, दैट्स व्हाई वी गेट दिस हीट। सो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? ऑल ऑफ यू जस्ट टेल मी हाउ मेनी प्रोडक्ट एंड विच वन इज द मोर स्टेबल प्रोडक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जस्ट आई एम गिविंग सम हिंट हियर। हियर इज द अल्फा कार्बन, हियर इज द बीटा वन एंड हियर इज द बीटा टू, बोथ वन इज द बीटा। सो अब बताओ मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कौन सा स्टेबल प्रोडक्ट होगा?
क्या प्रोडक्ट मिला बेटा? यस डेफिनेटली। सो देखो यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलने के चांसेस हैं। क्या मिलेगा? वन टू थ्री फोर फाइव, ये तो यहां से मिल सकता है, और एक और प्रोडक्ट मिलेगा वन टू थ्री फोर फाइव, एक यहां पे मिल सकता है, राइट ना? यस। तो यहां पे क्या हो गया? पेंट टू इन, आई एम सॉरी, और यहां पे क्या मिला? पेंट वन इन। पेंट वन इन ये जो होगा दैट इज व्हाट मेजर प्रोडक्ट। एज पर व्हाट? सेट्स ऑफ टूल, या बोलेंगे इसको सेट्स ऑफ प्रोडक्ट। हाँ ठीक है, तो सेम जैसा वहां पे था वैसा यहाँ पे कंडीशन चेंज करेंगे। एक और मैं एग्जांपल बताओ, आप बताओ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, फिर आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल का। सॉरी, जस्ट नोट डाउन एंड टेल मी द answer of this question. मैंने सारे examples आपसे कराए हैं पहले mechanism में, इसीलिए मैंने बोला था mechanism में बहुत अच्छे से करा रहा हूं एकदम डिटेल में, तो आपको फिर यहां पे प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये मैं फास्ट जा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। H3PO4 under heat क्या बनने वाला है बताओ मुझे प्रोडक्ट। Tell me the name of product. इसका नाम है साइक्लोपेंटेनॉल। Yes, साइक्लोपेंटीन, वेरी गुड। देखो ये तो यहाँ पे अल्फा हो गया बेटा, यहाँ पे अल्फा, ये हो गया यहाँ पे बीटा, और ये हो गया बीटा। ये दोनों बीटा सेम है, या तो यहां से हाइड्रोजन निकलो, देखो यहां से OH और यहां से हाइड्रोजन, आप समझो ना यहाँ पे। Oh my God. ये हाइड्रोजन निकला, ये OH, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, ये OH, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड। कहीं से भी निकालो आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा। ये बिना, हाँ दैट इज व्हाट साइक्लोपेंटीन, दैट्स ऑल। नाउ नेक्स्ट मेथड, दैट इज व्हाट डीहैलोजिनेशन। थर्ड मेथड, दैट इज व्हाट डीहैलोजिनेशन। ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ व्हाट? एलिमिनेशन रिएक्शन। डीहैलोजिनेशन ठीक है। देखिए इसमें पहला रिएक्शन देखते हैं यहां से, फर्स्ट वन,
विसिनल डाइहैलाइड अंडरगोज डीहैलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ Zn, Ag और Mg. ठीक है, तो कैसे बनेगा यहाँ पे देखो, X क्या देखेंगे यहाँ पे, Zn और अल्कोहल अंडर हीट, जितने भी एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं, तो हीट देंगे हम लोग. अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे यहां से दोनों हाइलोजन निकलेगा, यहाँ पे कार्बन कितने बेटा, यहाँ पे n, अगर नंबर ऑफ कार्बन n है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वहां पे भी कार्बन नंबर एक सेम होंगे. This will become what? Alkene. यहाँ पे भी कार्बन इक्वल टू एन हो गया. ठीक है, किससे जाए अभी, एन आई से भी जाएगा. दूसरा देखो यहाँ पे, विसिनल डाइहैलाइड ऑल्सो अंडरगो dehalogenation with NaI, sodium iodide से भी होगा. कैसे, RCH R बीयर, किससे रिएक्शन कराया मैंने, एनएआई से. सिंपल से रिएक्शन से यहां पे आर पहले यहां पे बीयर को रिप्लेस करके आई आ जाएगा एज अ ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रहा है. फिर यहां से आई टू, दोनों देखो एडजेसेंट कार्बन पे दो आई, मेरी बात को जरा समझना है यहाँ पे, क्या इसके पीछे का लॉजिक है. पहले NaI क्या करता है, NaI के प्रेजेंटेशन में Br क्या होता है, रिप्लेस होता है. ये एक टाइप का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले हो गया. पहले क्या हो रहा है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है. बहुत ध्यान से देखो यहाँ पे, पहला जो प्रोसेस हुआ दैट इज व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इसको रिप्लेस कर दिया. और जैसे रिप्लेस करेंगे, बीआर की साइज कैसी होती है, बहुत बड़ी होती है, बड़ा एटम है ना, दैट इज व्हाट लार्जर एटम, ये ऐसा बड़ा. तो एक दूसरे को रिपेल करके आई टू निकल जाएगा यहाँ पे, और मोर स्टेबल बना देगा प्रोडक्ट लाइक आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच आर प्लस आई टू. हियर इज द एलिमिनेशन, अल्किन, राइट है, कॉन्सेप्ट समझा आपको. पहला सब्स्टिट्यूशन हुआ NaI के प्रेजेंटेशन में, क्या हुआ, पहला सब्स्टिट्यूशन हुआ, फिर एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ. क्योंकि I की साइज दो एटम जो होंगे, सोडियम सॉरी यहाँ पे आयोडीन के जो एटम होंगे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, आयोडीन का एटम साइज बहुत बड़ा हो जाता है, और दो आयोडीन जब एक साथ एडजेसेंट कार्बन पे होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. इसके लिए वहां पे आई टू निकाल करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, स्टेबल प्रोडक्ट हो जाएगा, दैट इज एलिमिनेशन. चलिए अब जेमिनल डाइहैलाइड की बात करेंगे. अच्छा, विसिनल की बात तो आपको समझ में आएगी ना. विसिनल डाइहैलाइड होता क्या है, व्हेन बोथ हैलोजन प्रेजेंट एट द डिफरेंट एडजेसेंट कार्बन, विसिनल डाइहैलाइड इज व्हाट,
प्रेजेंट एट एडजेसेंट कार्बन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डी हैलोजिनेशन के बाद थर्ड वन, इसमें ही देखेंगे डी हैलोजिनेशन में, विसिनल के बाद जेमिनल का देखते हैं। फर्स्ट यू नोट डाउन दिस पार्ट, देन वी गो फॉर द जेमिनल डायलेटर। Noted. Yes, sir. आगे चलिए। थर्ड पॉइंट, जेमिनल डायलाइट डाइहैलाइड अंडरगो कपलिंग रिएक्शन। वाई डी हैलोजिनेशन हैलोजिनेशन टू गिव अल्किन। कैसे देख सकते हैं, एग्जाम्पल देखो आपको समझ में आएगा, कपलिंग भी हो रहा है आर CH2 CH, यहाँ पे दो X अटैच है, देखो X और X, टू X अटैच है, और यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल ले रहे हैं उसके साथ भी ऐसा ही है, इसका रिएक्शन करा रहे हम लोग ZN से। अल्कोहल एंड हीट के प्रेजेंटेशन में इस जो ये जो मॉलिक्यूल है इसके पास कार्बन इक्वल टू कितना N है और इसके पास कार्बन इक्वल टू कितना N है। अब कपलिंग रिएक्शन होता है ZN के साथ, ये चारों मॉलिक्यूल जो चारों हाइलोजन है वो निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है अपने पास R CH2 डबल बॉन्ड CH CH2R, दिस इज व्हाट C इज इक्वल टू 2N, अल्किन बन गया बेटा यहाँ पे। बात आई समझ में, दैट इज द कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, तो ये दो मॉलिक्यूल आपस में एड हो गए और हैलोजन निकाल भी दिया, इसके लिए इसको बोलते हैं जेमिनल डायहैलाइड अंडरगो व्हाट कपलिंग रिएक्शन बाय द डीहैलोजिनेशन टू गिव द अल्किन, हायर अल्किन कह सकते हैं यहाँ पे। गॉट इट? जैसे यहाँ पे मैं अगर एक रिएक्शन देखू और बताओ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इफ आई एम टेकिंग दिस टू मोल ऑफ द CH2 Cl2 Br2 plus 2 Zn in presence of C2H5OH under heat। अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसका नाम क्या होगा?
टेल मी द नेम ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या है एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, नहीं प्रोपाइलिडीन डाइब्रोमाइड, जेमिनल ऐसा होता है तो उसके आगे लीडिन लगाते हैं, या फिर इसी का नाम है 1,1 डाइब्रोमोप्रोपेन, तो 1,1 डाइब्रोमोप्रोपेन से को जब जिंक से रिएक्ट कराते हैं अल्कोहल के प्रेजेंटेशन में तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है बताओ मुझे। Send me your answer fast. चलिए चेक करते हैं। देखो इसी रिएक्शन को मैं ओपन करके लिखता हूँ, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं हम लोग बेटा, ये रिएक्शन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, जरा देखो यहाँ पे कैसे लिख रहा हूँ मैं, CH3 CH2 CH BR एंड BR, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया मैंने 2ZN प्लस दूसरा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे BR BR H CH2 CH3, तो प्रोडक्ट क्या मिल रहा है यहाँ पे, अल्कोहल है यहाँ पे ऑलरेडी सिचुएशन में हो गया चाहिए, तो देखो बेटा यहाँ पे क्या निकल रहा है यहाँ से, ये दोनों ये, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है देखो CH डबल बॉन्ड CH, आ रहा समझ में ना, यहाँ पे ये दोनों डबल बॉन्ड हो गए ना यहाँ पे CH एंड CH2 CH3, दिस इज अ प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 6, सिक्स हो गया ना कार्बन, और प्लस इसके साथ और क्या निकल रहा है बड़े यहाँ पे 2ZnBr2, इसका नाम हो गया XCE, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, नोट डाउन। आफ्टर दिस एलिमिनेशन नेक्स्ट एलिमिनेशन इज व्हाट, थर्मल एलिमिनेशन रिएक्शन, उसको देखते हैं थर्मल एलिमिनेशन, हाँ बारिश की वजह से थोड़ा नेटवर्क इशू ज्यादा है, नो प्रॉब्लम, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क इशू थोड़ा है मेरे यहाँ पे भी थोड़ा सा, इसके लिए मैंने वीडियो ऑफ करा दिया क्योंकि वहां पे फिर नेटवर्क पे लोड आ रहा था ना इसके लिए, चलिए आगे चलते बेटा अभी नेक्स्ट प्रेडिक्शन, हाँ यहाँ पे लेते हैं हम लोग नेक्स्ट वन, थर्मल एलिमिनेशन रिएक्शन है,
थर्मल एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होगा देखा जाते हैं। यहाँ पे देखो थर्मल एलिमिनेशन जो होता है ना वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे लिख रहा हूं इन थर्मल एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्मेशन takes place by Hoffman rule. मतलब वहां पे ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगा, दैट इज द हाफमैन प्रोडक्ट। मैंने आपको पहले बताया था हाफमैन प्रोडक्ट और दैट इज द प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है। So, अगर थर्मल एलिमिनेशन हो रहा है तो वहां पे कौन सा प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा, हाफमैन प्रोडक्ट। कैसे देखते हैं यहां पे, पहला एसीटेट देखिए एसीटेट से कैसे हो रहा है, एग्जांपल देखते हैं यहां पे हा? यहाँ पे हीट कर दिया, जस्ट हीट करना है आपको। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझ लो, यहाँ पे मैं क्या बताने जा रहा हूँ। इस पे फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया अल्फा, यहाँ पे हो गया बीटा और यहाँ पे हो गया बीटा टू। तो बेटा यहाँ पे भी टू प्रोडक्ट तो बनेंगे अपने पास, अगर यहाँ ये निकल रहा है यहां से और एच यहां से निकला तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। और यहां से अल्फा से ये निकला और यहां से बीटा से निकला तो यहां पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा डबल बॉन्ड। ठीक है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है और ये कैसा है मोर। तो इस केस में ये जो होगा वो हाफमैन प्रोडक्ट और ये होगा सेट्ज प्रोडक्ट। हाफमैन प्रोडक्ट इज मोर देन सेट्ज प्रोडक्ट, ये इसका इंपॉर्टेंस है, समझा ना। मोर स्टेबल ये ज्यादा बनेगा, हाँ means that is measure more stable means that is form measure product huh? ये अच्छे से कहीं नोट डाउन करके रखना, ये माइनर होगा। नॉर्मली हमने देखा कि जो सेट्ज़ प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है और ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसके पास सिक्स अल्फा हाइड्रोजन है जबकि यहाँ पे दो ही अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे छह अल्फा हाइड्रोजन है। दिस विल बी मोर स्टेबल, दिस शुड बी लेस स्टेबल, बट इन थर्मल एलिमिनेशन रिएक्शन एज आई टोल्ड यू हाफमैन प्रोडक्ट विल बी व्हाट मोर या मेजर प्रोडक्ट एज कंपेयर टू द सेट्ज। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, नोट डाउन करके रखो। क्या सबको समझ में आई मेरी बात? यस गुड। Now see the another example. CH3, CH2, CH2OH. Tosyl chloride.
और पायरेडीन। तो सबसे पहले यहाँ पे फिर से सब्स्टिट्यूशन होगा, टोसाइल ग्रुप यहाँ पे आ जाके लगेगा, ये फॉर्म क्या करेगा प्रोडक्ट लाइक दिस वन। टीएस ग्रुप आके यहाँ पे अटैच हो गया, और एक बार जब टीएस ग्रुप आके अटैच हो गया तो इसका फिर थर्मल हीटिंग करेंगे। अब यहाँ पे भी हाफमैन प्रोडक्ट विल बी व्हाट, मोर स्टेबल। तो जहां पे भी थर्मल एलिमिनेशन होगा बेटा वहां पे हाफमैन प्रोडक्ट विल बी मोर स्टेबल। यहाँ पे खैर एक ही चांस है, दूसरा चांस नहीं, तो नो नीड, जस्ट यू कैन राइट इट। नोट डाउन कर लो, चलिए आगे चलते हैं। अमाइन ऑक्साइड एसीटेट के बाद नाउ डिस्कस अबाउट व्हाट, अमाइन ऑक्साइड। अमाइन ऑक्साइड, अमाइन ऑक्साइड से कैसे बनने जा रहा है, देखो इस रिएक्शन का एक नाम देते हैं यहां पे, थर्मल एलिमिनेशन ऑफ अमाइन ऑक्साइड इज नोन एज स्कोप एलिमिनेशन। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, स्कोप एलिमिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन देखिए आपको चीजें समझ में आएंगे मैं क्या लिखने जा रहा हूं। तो सीएसपी CH2 N CH3 CH3 O माइनस और यहाँ पे प्लस, राइट। इसको हीट करेंगे हम लोग, तो देखो यहाँ पे दिस इज व्हाट अल्फा और ये होगा बीटा। तो यहां से तो ये पूरा ग्रुप जाएगा, मैंने बोला था दैट इज व्हाट लिविंग ग्रुप, और यहाँ पे क्या जाएगा ये। तो प्रोडक्ट क्या बना अपने पास, वी गेट दिस प्रोडक्ट सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस, और क्या बना अपने पास, NOH and here is what CH, that is the word product. Note down this part. इसी को बोलते हैं amine oxide. This is our amine oxide. और यहाँ पे हिट किया, चलिए note down करिए। नोटेड, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज व्हाट,
क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देखिए इसी को हम लोग कहते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन, बहुत ध्यान से देखना, ये आपको अमाइन चैप्टर में भी बताऊंगा मैं। तो थर्मल एलिमिनेशन ऑफ दिस कंपाउंड इज नोन एज, मैंने मैकेनिज्म में भी बताया था, ये इज नोन एज हॉफमैन एलिमिनेशन। इसका मतलब हॉफमैन प्रोडक्ट अपना डोमिनेट करेगा, हॉफमैन एलिमिनेशन, ठीक है। देखिए होता क्या है यहां पे, CH3 CH2 CH सॉरी यहाँ पे भी है CH3 इससे अटैच है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से अटैच है थ्री मिथाइल ग्रुप CH3 CH3 एंड CH3, ठीक है। इसके ऊपर होता है प्लस चार्ज और यहाँ पे OH होगा जो दैट इज व्हाट माइनस चार्ज। यहाँ पे इसको बोलेंगे बीटा अल्फा, दिस इज व्हाट बीटा 2 एंड दिस इज व्हाट बीटा 1, वेरी सिंपल। अब यहाँ पे आपको पूरी कहानी समझ में आएगी क्या होने वाला है। यू नो दैट When we heat this, देखो इसके बारे में मैं जरा सा बता दूं आपको कि क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट अमोनिया से तीन हाइड्रोजन अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस होते हैं, बट नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक और अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाता है, दैट फॉर्म द कॉम्प्लेक्स दैट इज कॉल्ड व्हाट अमोनियम टेट्रा अमोनियम हाइड्रोक्साइड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इसका जब हीट कर रहे हैं हम लोग, थर्मल एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहे हैं, सो व्हाट प्रोडक्ट वी गेट हियर, तो डेफिनेटली ये ग्रुप तो यहां से निकलेगा बेटा, यहाँ पे ये पूरा का पूरा ग्रुप निकलेगा अल्फा से। अब बीटा से यहां से ये देगा और ये देगा, तो हाफमैन प्रोडक्ट क्या होगा, अगर यहां से एच निकला यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया दैट इज व्हाट हाफमैन प्रोडक्ट, और यहां से निकला और यहाँ पे आ गया दैट इज व्हाट मेजर प्रोडक्ट, और यहाँ पे हाफमैन एलिमिनेशन पड़ रहा है दैट्स व्हाट इज व्हाट मेजर प्रोडक्ट। समझ में आ रही मेरी बातें, सो व्हाट प्रोडक्ट विल गेट हियर, यह CH3 CH2 CH double bond CH2, this is what Hoffman product, it will be major, plus this is what minor प्रोडक्ट। तो आप देखो कि नॉर्मल कंडीशन में जब होगा ना, नॉर्मल कंडीशन में एलिमिनेशन होगा तो वहां पे सेट्स ऑफ विल बी मेजर एंड हॉफमैन विल बी माइनर, और जब ये थर्मल होगा तो इसको बोलेंगे हॉफमैन इज मेजर एंड दिस वन इज माइनर, और इसी को हम लोग बोलते हैं रेजियो सिलेक्टिव, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेजियो सिलेक्टिविटी। रेजियो सिलेक्टिव मतलब दिस रिएक्शन आर व्हाट रेजियो सिलेक्टिव, रेजियो सिलेक्टिव मींस व्हाट, टू प्रोडक्ट विल फॉर्म इन विच वन इज द मेजर एंड वन इज अनदर इज द माइनर, गॉट इट। मैंने आपको एलिमिनेशन रिएक्शन बताते समय बहुत अच्छे से बताया था, व्हाट इज द रेजियो सिलेक्टिव, व्हाट इज द स्टीरियो सिलेक्टिव, क्लियर। हाँ या ना कुछ याद है, आप जरा रिवाइज किया करो पीछे के चैप्टर, जरा रिवाइज करो आप, हाँ रिएक्शन मैकेनिज्म स्पेशली पूरा रिवाइज करो अच्छे से। हाँ
चलो ये लिख लो यहाँ पे, सेम रिएक्शन शायद मैंने बताया था वहां पे, एलिमिनेशन हॉफमैन एलिमिनेशन देखते हैं। नाउ एडिशन रिएक्शन, क्या आप सोच सकते हो कि एडिशन रिएक्शन से भी अल्किन बनेगा? अल्किन तो अनसैचुरेटेड है, लेकिन देखते हैं यहां पे, देखते हैं। आइए एडिशन रिएक्शन ये पेज पे जाते को एडिशन देखते हैं। फ्रॉम एडिशन देखते हैं। फ्रॉम एडिशन देखते हैं। देखिए अल्काइन में एडिशन करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, देखिए यहाँ पे कैसे हो रहा है। यहाँ पे एक बात, मेरी बात जरा समझो यहाँ पे, अगर मैंने अल्काइन लिया, इफ आई एम टेकिंग दिस अल्काइन, सो अगर यहां पे आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू बना और उसके बाद और एक बार एडिशन करा दिया हाइड्रोजन का, तो ये बन गया आर सी एच टू डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सी एच टू। तो यहां से यहां तक का जो प्रोसेस हुआ, दिस इज कॉल्ड व्हाट, पार्शियल रिडक्शन। और यहां से यहां तक का जो प्रोडक्ट बना, दैट इज व्हाट, कंप्लीट रिडक्शन। राइट, दिस इज व्हाट कंप्लीट रिडक्शन। राइट, सो अगर किसी भी रिएजेंट से हम लोग अल्काइन को पार्शियली रिड्यूस करके अल्किन में कन्वर्ट कर दे तो हमारा प्रिपरेशन हो जाएगा। मींस वी कैन से दैट अल्काइन्स अंडरगो पार्शियल रिडक्शन। Partial reduction to give alkene. In presence of catalyst. कैसे देखो, देखिए कितने मेथड है यहाँ पे, देखो H2 वो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, क्या बोल रहा है बेटा,
इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट यस पहला, डेफिनेटली डेफिनेटली कैटलिस्ट के प्रेजेंटेशन में ही होगा रिडक्शन, कैटलिस्ट के प्रेजेंटेशन में होगा, मैं वही लिखने जा रहा हूँ कौन से कैटलिस्ट यूज होंगे। आई एम गोइंग टू राइट दैट ओनली। यहाँ पे जैसे मैंने H2 लिख दिया यहाँ पे ऐसा, और निकल लिख दिया ऐसा, चलिए यहाँ पे H2 लिख दिया और निकल लिख दिया। अब यहाँ पे देखो H2 वो लाइन में अपने अंकित लिखा है। अच्छा यहाँ पे yes, अच्छा sir, वो रेड लाइन अल्काइल, अच्छा ये यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, हाँ वो सॉरी सॉरी हाँ हाँ presence of catalyst, definitely presence of catalyst, sorry presence of catalyst, yes। now यहाँ पे देखो कौन सा हम लोग यहाँ पे form करने जा रहे हैं, Lindler catalyst, हाँ Lindler catalyst, ये कैसा होता है, सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर पॉइजनाइट करते हैं हम लोग एसीटेट का, लेड एसीटेट का, राइट, हाइड्रोजन गैस को कैल्शियम कार्बोनेट पर डिपॉजिट करते हैं और उसको पॉइजनाइट करते हैं लेड एसीटेट से, तो बनता है लिंडर्स कैटलिस्ट। और जो लिंडर कैटलिस्ट होता है यही पार्शियल रिडक्शन करता है और फॉर्म करता है प्रोडक्ट, अल्किन, दिस इज व्हाट अल्काइन और दिस इज व्हाट अल्किन। यहाँ पे दूसरा देखो, इन दिस केस व्हेन आई एम गोइंग टू टेक दिस Ni2B बोरॉन डाइनिकल H2 डाइनिकल बोरेट एंड H2 यहाँ पे लिखेंगे R CH H। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट BH3 एसिटिक एसिड लिक्विड, ये देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट था, ये जो रिडक्शन हुआ ना यहां पे हमें क्या मिला, सिस मिला, लेकिन यही रिएक्शन सोडियम और लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंटेशन में कराएंगे तो क्या मिलेगा, ट्रांस मिलेगा। आर यू ऑब्जर्विंग दिस, दिस इज व्हाट ट्रांस, all these are what, alkenes, alkenes, एक और नोट यहां पे इंपॉर्टेंट नोट, ये नोट डाउन करो, टर्मिनल अल्काइन्स कैन नॉट बी रिड्यूस बाय Na, NSA, नोट डाउन करो आप, मैं भी आता हूँ, नोट डाउन करो,
चलो बेटा हो गया, हैव डन। यस सर। ठीक है चलिए। तो यहाँ पे एक और पार्ट हम लोग लिख लेते हैं, लिंडलर लिंडर्स कैटलिस्ट क्या होता है। यहाँ पे जो लिखा है मैंने लिंडर कैटलिस्ट, इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ तो आपको समझ में आएगा, आप नोट डाउन कर लो वहां पे। दैट विल बी व्हाट, कैसे करते हैं यहाँ पे, H2 तो है यहाँ पे, प्लस कैसे था PD, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का पॉइजनाइज कराते हैं, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे हम लोग CaCO3 की जगह पे हम लोग ये ले सकते हैं BaSO4 आल्सो, हो BaSO4 और सल्फर, ये सब यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। नोट डाउन कर लो इसको। तो यहाँ पे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपने नोट डाउन कर लिया होगा, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अगर मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे सपोज I'm going to ask if I'm taking this CH3 C triple bond C CH3, okay. आप मुझे बताना प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, नेम ऑफ द प्रोडक्ट है CaCO3 और यहाँ पे ले लिया मैंने लिथियम और अमोनिया। तो अब बताओ मुझे क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, टेल मी फास्ट। जल्दी बताओ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन राइट हियर ओनली, हाँ आप स्क्रीन पे यूज कर सकते हो, आई एम अलाउड टू यूज। यू कैन मेक द प्रोडक्ट हियर, नहीं लिखना है कोई बात। तो देखो यहाँ पे लेड और कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे कैसा होगा, लिंडर्स कैटलिस्ट है तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो कैसा बनेगा, CH ऐसा लिखता हूँ मैं, ओपन लिखता हूँ, दैट विल बी बेटर। सर मैं ट्राई करूँ, करो ना यहाँ पे लिखो, राइट दिस, दोनों प्रोडक्ट लिखो वहाँ पे, ट्राई करो, हाँ very good, yes, yes very good, and second one, यस वेरी गुड वेरी गुड। तो इस रिएक्शन की यही ब्यूटी है कि यहाँ पे ये जो मिलेगा दैट इज व्हाट सिस, और ये जो मिलेगा दैट इज व्हाट ट्रांस। तो लिक्विड अमोनिया और लिथियम के प्रेजेंटेशन में क्या देगा, ट्रांसफॉर्म, जस्ट रफ इट,
Okay. So what we get here? Yeah, we get this cis product. Here is what CH3 H CH3H. Here we'll get what? CH3H and here is what H and CH3. This will be what cis and this is what trans. I hope it is clear. Now Wittig's reaction. Next will be what Wittig's reaction. Wittig's reaction. So we can write here carbonyl compound react with the primary and secondary alkyl halide. Secondary alkyl halides in presence of ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इन प्रेजेंस ऑफ ट्राइफिनाइल फॉस्फिन एंड स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हो सकते हैं आर एल आई एन एच एक्सेट्रा ठीक है टू गिव अल्किन ठीक है और दिस रिएक्शन इज नोन एज known as Wittig's reaction. इसी रिएक्शन को कहते हैं Wittig's reaction. चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है मैं रिएक्शन एक्सप्लेन करता हूँ आपको सी दैट आर सी एच टू बी एर पहला यहां पे लिखा मैंने दैट इज व्हाट सी सिक्स एच फाइव ट्राइस्पीन राइट ना मैंने बोला ना ट्राइफिनाइल फॉस्फिन दिस इज द स्ट्रक्चर ठीक है सेकेंड स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया NaH सोडियम हाइड्राइड और कार्बोनिल कंपाउंड हमें लेना पड़ेगा दैट इज व्हाट कीटोन R डैश सी आर डबल बॉन्ड इन सब के प्रेजेंटेशन में जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज व्हाट R डैश R डबल बॉन्ड CHR या इसको हम लोग डबल डैश कर लेते हैं दैट विल कम आउट डबल डैश या सिंगल डैश कर लेते हैं ऐसा दिस इज द प्रोडक्ट ये अल्किल हो गया ये कहां से आया कार्बोनिल ग्रुप से तो यहां पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड
फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, एंड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड लॉस ऑफ हैलोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन. From alpha carbon, that is the important part. हाँ, यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन लॉस होता है, यहाँ से एक ऑक्सीजन लॉस होगा, तो ये दोनों को मिला करके ये प्रोडक्ट बन गया. That is the reaction. Got it? चलिए अब बताइए प्रोडक्ट क्या बनने वाला है इस केस में. If I'm giving this reaction, then what product will get here? Sorry. So we'll try to make this structure. Come on. मैंने ऐसा ले लिया सपोज यहाँ पे. डबल बॉन्ड ऑक्सीजन किसके प्रेजेंटेशन में हो रहा है बेटा यहाँ पे. पहला ले लिया मैंने C6H5 CBr एंड दूसरा RLi. तो बताओ प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है अपने को. Who will going to write this reaction? Just try to make it. Anyone here? You need to write it. और 11 से 8 कैसे हो गए, सब भाग गए क्या. दीप अपना अनिश्चित मनीष मनीष का प्रतीक्षा लेवरिंग सेल. अच्छा ज्ञानेश का नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना. बोलो बेटा क्या बनेगा यहाँ पे. देखो यहाँ पे सिंपल सा प्रोडक्ट बनाता हूँ मैं फटाफट. फाइनली वी गेट दिस. ये डबल बॉन्ड है, यहां से ऑक्सीजन निकला और ये सी एच अटैच हो गया और यहां पे क्या हो गया सीएच. दैट्स ऑल, दिस इज अवर प्रोडक्ट. क्लियर है. चलिए नाउ लास्ट सेकंड लास्ट रिएक्शन कोलबे. कोलबे हाइड्रोकार्बन सिंथेसिस. चलिए देखते क्या है कोल्बे हाइड्रोकार्बन सिंथेसिस. तो वी नो दैट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ पोटेशियम सॉल्ट सॉल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड है. Give alkenes. At the anode. Anode पे क्या बनेगा alkenes. कैसे देखते हैं यहाँ पे. I'm going to write this reaction. CH2 single bond CH2. Here is what COOK. COK plus or minus. This is called what?
पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड, इट गो फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोलाइसिस, सो व्हाट प्रोडक्ट वी गेट हियर? हियर वी गेट दिस CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 एंड प्लस 2 KOH. Got it? अब इसका मैकेनिज्म मैंने बताया था अल्किन में, वैसे ही होगा यहाँ पे. हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, दोनों के फ्री रेडिकल्स आ जाएंगे, डबल बॉन्ड आ जाएगा. ठीक है, ओके. वन मोर रिएक्शन हियर, दैट इज व्हाट, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन. रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिडक्शन देखते हैं. ठीक है, सो वी कैन राइट हियर अल्किन और प्रोड्यूसेस from epoxide. By phosphorus reagent. By phosphorus reagent. कैसे देखो यहाँ पे, we can write here R CH CH2 O, तो क्या बन रहा है यहाँ पे, PH3P और C2H5O twice C. It will give RCH double bond CH2 plus phenyl group here, PO. That is the product. यहाँ पे एक ऐसा भी लिख सकते हैं CH2O oxygen in presence of phosphorus CH2 and second CH3I, under this reagent it will form this alkene. That's the reaction. Clear? तो इतने हो गए आपके केमिकल, सॉरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किन्स. तो आज इतना ही करते हम लोग अल्किन्स तक का प्रिपरेशन, क्योंकि नेक्स्ट प्रॉपर्टीज विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में शायद अल्किन्स का प्रॉपर्टीज हो जाएगा, केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, थोड़ा उसमें एडिशन रिएक्शंस वगैरह है, मैंने पहले कार्बिन वगैरह का बताया है आपको, एंटी एडिशन, सिन एडिशन, तो यहाँ पे चीजें थोड़ी सी फास्ट हो जाएंगी और चीजें आपको ओजोनोलाइसिस ये सब चीजें बताया है. तो देखते हैं कितना कंप्लीट हो पाएगा. तो अल्किन के बाद अल्काइन, तो हाइड्रोकार्बन का पार्ट ऑलमोस्ट ओवर. ओके, चलिए, थैंक यू, थैंक यू सर.